नहीं है, तुम्हें तो मोदी पसंद नहीं है, जीडीपी पसंद नहीं है, साला आतंकवादी भारत में घुस रहे, वो तुम्हें पसंद है, भारत कुछ बने नहीं, यही बम फोड़ते थे, यही फोड़ते थे बम। कांग्रेस वाला ये कह रहे थे हमने इतना बड़ा घोटाला किया था, तो लालू बोलता तू पीछे रहे मैं तेरे से बड़ा घोटाला किया, तो ममता बोला तू पीछे रहे मैं तेरे से बड़ा घोटाला किया, वो मीटिंग में मीटिंग कर रहा है इसलिए चोरों का सरदार भी नहीं मिल रहा उसको। और केजरीवाल कह रहा है तुमने तो कुछ घोटाला नहीं किया, मैं तो पूरी दिल्ली को शराब में ऐसे डुबा दिया। एक प्रधानमंत्री तीन तलाक की बात करते हैं, वो एक सोच होना चाहिए कि शादी करके एक बीवी को खुद छोड़े हुआ उसको तीन तलाक पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ लिख ली, कब लिख लेगी, कब लिख लेगी, वंदे भारत नहीं चल रही क्या भाई भारत में, कब? छह बच्चा पैदा करने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी औरत छोड़ी थी। प्रधानमंत्री कौन था उस समय? अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी। कितने साल रहे? 7 साल रहे। अच्छा, अरे एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी 7 साल रहे, 7 साल है, 7 साल। साला कांग्रेस हमें बेच के खा गई स्टार्टिंग से, खड़े कांग्रेस की देन है, तुम्हारी देन नहीं है सर, सीपी बना हुआ मोदी की देन है। ये तो झंडा लग रहा है ना भाई, कैमरामैन जरा फोकस करो यार। तीन तलाक, पहली बार प्रधानमंत्री खुद अपनी बीबी को छोड़े बात, तीन तलाक पे बात नहीं करना। ये कहना चाहता हूँ कि चाय तो भैया 29 तक उबलेगी, जिसको पीना हो तो पी लिए, नहीं तो सीधा 29 के बाद में गोरखपुर का काढ़ा पिलाया जाएगा। सीधा बात आम जय श्री राम। अमेरिका में जाते हैं तब एक हफ्ता पहले से डंका बज जाता है, और जब मनमोहन सिंह जाते थे 2004 से लेकर 2014 के बीच में तो कहता था टिन 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 कौन है और डस्टबिन बाहर कर दो। अच्छा, ये हिंदू ये मुसलमान, ये मुसलमान ये हिंदू, कांग्रेस ने पहले वो बांटा। भैया कहाँ से हैं आप? बिहार मोतिहारी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं, थोड़ी शुभकामनाएं भी दीजिए और थोड़ा वो दुखी खबर भी है थोड़ा। जाति का जनगणना बता दिया आपको बिहार सरकार ने कि आपकी कितनी जाति है, वैसे कौन जात के हैं आप? कुशवाहा। कुशवाहा, अच्छा कितना परसेंट है आपका आबादी? मैं बताता तो हूँ, हम कभी ये नहीं देखते कि जाति यादव या कुशवाहा, हिंदू है हिंदू है। दूसरी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने पूछी बहुत अच्छी बात है, हम पहली बात से इसलिए खुश है कि हमारी हिंदू जाति वहाँ ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात से दुखी यह है कि उन्होंने जाति गणना ये दिखा दिया है कि यादव ये है ये है वो, उन्होंने मुस्लिमों को एकता करके दिखाया और हिंदुओं को बांट के दिखाया कि कुशवाहा ये है यादव वो है। जहाँ यूपी अपने जीडीपी की बात करती है वहाँ बिहार अभी जाति गणना में कर रहा है। इससे क्या हुआ, अगर वो रोजगार, अगर वो विकास पे ध्यान दे तो अभी जो वो बेगूसराय वाला जो फ्लाईओवर है वो टूट के नहीं गिरता। ये जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला, जो है वो है। अगर वो जाति जनगणना से थोड़ा हटके अगर थोड़ा विकास के ऊपर कार्य करेंगे तो शायद पब्लिक उनके लिए 2024 में सोच सकती है। क्या लगता है अंकल जी, जाति का जनगणना से तो बहुत खुश हुए होंगे आप? मैं बहुत खुश हुआ। मैं बताऊं, बिहार में ये काम हुआ, बिहार जितना बुद्धिजीवी लोग कोई नहीं है। अच्छा, पूरा भारत में, भारत में नहीं पा रहे करी का सारा विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग है ना वो बिहारी है। अच्छा, और जितने ज्यादा मेहनती है वो बिहारी है। तो जाति में बांट दिया यार, बात तो सुनो। और सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? बिहारी है। कारण क्या? क्या कारण ये है? नेता लोगों ने जातियां बांटी इसलिए। हाँ, मेन इसलिए पिछड़ा हुआ है, लेकिन बुद्धिजीवी में कोई कमी नहीं है। आज जय कोई प्रोजेक्ट बनता है ना तो इंजीनियर होगा बिहारी होगा, कोई कारीगर होगा बिहारी होगा, मजदूर होगा बिहारी होगा, पूरा भारत में, लेकिन बिहार में नहीं। क्यों? बिहार में एक बताओ, ये भारत के अंदर जितनी पार्टियां पैदा होती है ना वो बिहार से आती है। अच्छा। आप अपने घर के अंदर पांच भाई है, पांचों भाई सारे चौधरी बन जाएंगे ना तो घर का नाश हो जाएगा। अच्छा। तो वह बिहार में वही है, घर घर में चौधरी बने। क्या भाई क्या क्या हुआ कि एक एक जिसकी एक एक दो दो सीट है ना वो तीन तीन पार्टी लेके बैठ गए। हाँ, तो कैसे बनेगा बताइए? जब जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जो है बिहार सरकार ने जारी कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले इसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को बांटा। किसने बांटा? कांग्रेस ने। अच्छा। ये हिंदू ये मुसलमान, ये मुसलमान ये हिंदू, कांग्रेस ने पहले वो बांटा, उसके बाद अब उसका तो दाल गल नहीं रही है। अब इसके बाद हिंदू को हिंदू को बांटो, वो काम कर रहे, इसका कोई चीज का भला नहीं होने वाला। अच्छा, किसका भला होता है? अच्छा, जनता लगातार ये आरोप लगा रही है बिहार सरकार पे कि जातिगत जनगणना तो करवा लिया, एक जनगणना ये भी करवा लेते कि कितना अस्पताल बनाया, कितना स्कूल बनाया। पर मैं कह रहा हूँ कि उसको ये पहले विकास क्या किया है? वो तो वो ये कर रहे ना, ये चोरों का, ये जो चोर है ना सारे, वो चोरों का सरदार कौन है वो भी तय नहीं हो रहा है। अच्छा।
कांग्रेस वाला ये कहेगा हमने इतना बड़ा घोटाला किया था, तो लालू बोलता तू पीछे रह मैं तेरे से बड़ा घोटाला किया, तो ममता बोला तू पीछे रह मैं तेरे से बड़ा घोटाला किया। वो मीटिंग करे इसलिए चोरों का सरदार भी नहीं मिल रहा उसको। अच्छा, और केजरीवाल कह रहा है तुमने तो कुछ घोटाला नहीं किया, मैं तो पूरी दिल्ली को शराब में ऐसे डुबा दिया। वो क्या करे, वो खरा घोटाला की है। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, क्या जातिगत जनगणना से जो आने वाला चुनाव है इस पे कोई असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ना, कोई असर नहीं, कोई नहीं असर नहीं है, किसी को नहीं है। मैं एक बात बताऊ ने, मोदी जी ने जब 2014 में क्या 19 में इसके मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो करके उसने क्या बोला कि 370 की धारा हटा दूंगा, हटा दी। पर 500 साल से पुराना वो केस चल रहा था राम मंदिर का, वो इसने फैसला कर दिया। अब उसने जैसे कहा अब यूसीसी कानून आने वाला है, अब ये बताओ कि उसने क्या मतलब नहीं किया काम। अच्छा अंकल जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी आएगा कि कौन आएगा? क्योंकि कह रहे हैं लगातार मोदी के उन्होंने काम गिनवा दे कि राम मंदिर बन गया। कौन सा पांच काम है बता दो, कौन सा काम? पांच काम है, पांच काम पूछ रहे हैं, ये पांच काम पूछ रहे हैं। हाँ बताइए, धारा 370, तीन तलाक। तीन तलाक पहली बार प्रधानमंत्री खुद अपनी बीबी को छोड़े हुआ, तीन तलाक पर बात नहीं करना। ये सब मैं जवाब दूँ, हाँ भाई बीच में ना बोले, प्रधानमंत्री ने बीबी को छोड़े हुआ, तीन तलाक की बात नहीं करना भाई। ये लगातार तीन तलाक पे इन्होंने घेरा है आपको। अरे एक मिनट क्या लगा, बात करूँ एक बात सुनने देगा तब मैं उसका जवाब। पहले इनकी सुन लेते हैं, ये भाई बोले गिनती का एक प्रधानमंत्री तीन तलाक की बात करते हैं, वो एक सुनना चाहिए कि शादी करके एक बीबी को खुद छोड़े हुआ उसको तीन तलाक पे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा आपने पांच काम पूछे, वो पांच काम गिनवा रहे थे, तो दो भाई गिनने दो। हाँ धारा 370 ठीक है, तीन तलाक, राम मंदिर, G20 ठीक है, और पांचवा 37। एक मिनट बोलने दे भाई, पहले आप बोलने दे। छठा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ निकली, कब निकलेगी, कब निकलेगी? वंदे भारत नहीं चल रही क्या भाई भारत में? कब निकलेगी बात रहा तुम्हें, कब निकलेगी बताऊ ना पहले। वंदे भारत तो चल रही है, छह महीना हो गया, छह महीने से चल रही है, छह महीने चल रही है। हाँ चलो पता नहीं है तुम्हारे खाते में चल रही है, समझ आ गया? पूछ क्या, पहले तो इनसे ये पूछो कि वंदे भारत में बोल किस पे रहा हूँ, बताना भाई जरा वंदे भारत किसी किस चीज पे बोल रहा हूँ? ट्रेन पे बोल रहे हो तुम, वंदे भारत चल नहीं रही है। एक मिनट अंकल चिल्लाना मत, वंदे भारत नहीं चल रही है। चलो तुम्हारा गिनवा, काम गिनवा रहा हूँ भाई, इन्होंने छह इन्होंने पांच ही बोला था ना, सातवां काम गिनवा रहा हूँ। दसवें नंबर से सीधा पांचवा जीडीपी में, ठीक है एक मिनट। मार्केटिंग आठवा जो आएगा, आप सबसे ज्यादा अब अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया है, एप्पल, वीवो, सैमसंग, पता नहीं कौन कौन सी नोएडा में चल रही है, सब इंडिया में आ गई है। आठ काम, इतनी उम्र में मैंने आठ काम देखे हैं, मैं आठ काम ही बता पाऊंगा, इन्होंने पांच बोला मैंने तीन ज्यादा बताया, करे तो पता नहीं कितने, उनकी कोई गिनती नहीं है भाई। अच्छा बोलने दो, विपक्ष सुन लेते हैं, पक्ष में तो सुन लिया आपने, विपक्ष सुन लिया, इसको बोलो कि ये भाई ये अपना तीन तलाक पे ये तो एक प्रधानमंत्री एक तो अपनी बीबी को छोड़ो भाई, वो अलग बात छोड़ो, मेरी बात हुई बाबरी मंदिर का मंदिर से उसको आदमी को रोजगार मिल जाएगा क्या? चलिए एक एक करके आपका उत्तर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने आपने ये बोला कि मोदी ने खुद बीबी को छोड़ दिया तो ट्रिपल तलाक की बात नहीं करनी चाहिए, सुन लेते हैं इनकी राय। हाँ ये भाई ने ये बोला कि मोदी ने अपनी घर वाली छोड़ दी, मान लिया ने, मैं मान लिया ने। एक बात बताऊं, देश के अंदर अपने राष्ट्रपिता कौन है, कौन है? महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को जानते हो ना? जी। महात्मा कब बना वो? महात्मा कब बना? जन्म से महात्मा था वो? नहीं नहीं था ना? छह बच्चा पैदा करने के बाद वो छोड़ी थी देश के लिए।